WWE के सबसे डोमिनेटेड टीम ब्लडलाइन से खुद ट्राइबल चीफ को हो सकता है खतरा, क्योंकि सैमी जेंग की वजह से रोमन के भाई जे उसो भी बगावत पर उतर आए। जिस पर ज्यादा भरोसा किया उसी ने रोमन को धोखा देकर उसे चैलेंज कर दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, जे उसो आखिरकार आज के होने वाले स्मैकडाउन में आकर अपने भाई जिमी उसो का साथ देकर अपने टैग टीम टाइटल्स रिटेन कर लिए। लेकिन रॉयल रंबल में निराश होकर जे उसो कई गायब हो गए थे, और बीते स्मैकडाउन में भी ट्राइबल चीफ ने ये तक बोल दिया था जे उसो उनके लिए काफी खास है, और जिमी उसो और सोलो सिकवा को भी भेज दिया जे उसो को ढूंढने के लिए, लेकिन जे उसो कहीं नहीं मिले। इन सभी चीजों की वजह है सैमी जेन, जिन्होंने जे उसो के दिमाग में रोमन रिंग्स के लिए जहर उगल दिया। लेकिन सैमी जेन हो सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रिंग्स के अपोनेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और ये बात रोमन को भी मालूम है कि जे उसो की वजह से वो ये टाइटल आर भी सकते हैं अगर जे उसो ने एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी जेन का साथ दिया, क्योंकि DUI केस की वजह से जिमी उसो कनाडा में एलिमिनेशन चैम्बर का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसीलिए ट्राइबल चीफ के साथ अकेले सोलो सिकोवा ही रहेंगे। और दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में सैमी जेन और रोमन रेंस का मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो इस मैच में आप किसको सपोर्ट करोगे, सैमी जेन या फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को? हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।